afternoon my dear lovely students, how are you? I hope so you all are fine and completing your notebook also. ना अभी last time हमने आपकी notebook बुलाई थी correction के लिए, next time हम फिर आपकी notebook बुला सकते हैं correction के लिए. तो आपको अपनी notebook को properly cover करके name tag लगा के जो work मैं करवा रही हूँ वो आपको proper date डाल के complete करना है, ताकि आपके पास सारे content हो कि टीचर ने अभी तक क्लास में क्या क्या करवाया है, वो आपके पास भी होना चाहिए जिससे आप उसे प्रैक्टिस कर सके. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर लेट्स रिसाइट अ श्लोक. सो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः. और ऑफ अपन आईज, पुट ऑन योर हैंड्स. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टुडेस टॉपिक. आवर टुडेस टॉपिक इज व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर. सो दैट हेडिंग यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, व्हाट कम्स WHAT. व्हाट, व्हाट का मीनिंग होता है क्या. व्हाट कम्स, कम्स मीन्स आता है. व्हाट कम्स जस्ट, JUST, जस्ट आफ्टर. राइट दिस हेडिंग. Now same is the meaning of after. After का मतलब क्या होता है, बाद में. ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, है ना. अब हम इसे बार बार करते रहेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो. हम डिजिट्स चेंज करेंगे, आपको हर डिजिट का पता होना चाहिए, उस डिजिट को क्या बोला जाता है, उस नंबर को रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद क्या आता है, उसके पहले क्या आता है, दो नंबर के बीच में क्या नंबर आएगा, आपको रिकॉग्नाइज करते रहना है. दैट्स व्हाई व्हेन आई आस्क यू व्हेनेवर यू राइट नंबर्स और रिवर्स काउंटिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा और बीच में क्या आएगा, कि जब आप ये कॉन्सेप्ट करें तो आप कंफ्यूज ना हो. कुछ बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है 0 और 1 के नंबर में. फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे 1, 5, 15 को बोलते हैं 50. आप लोग क्या बोलते हैं, 50. ये होता है 15, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों की हैबिट देखी है, वो इसे बोलते हैं 50. जब उनसे बोला जाता है नाउ राइट व्हाट कम्स आफ्टर 15, समटाइम्स दे राइट 5151. दैट इज रॉन्ग. सो फर्स्ट करेक्ट योर प्रोनंसिएशन. जब भी किसी नंबर के पहले 1 लगता है इट मीन्स इट बिकम्स टीन, और जब 0 लगता है बाद में तो वो टी हो जाता है. जैसे 50, 60, 70, 80, 90, और ऐसे इधर आता है तो 15, 16, 17, 18, 19. तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. All of you write here 62. Now what comes just after 62? अब आपको 61 की लाइन रिकॉग्नाइज करना है कि आप 62 के बाद में नंबर्स में क्या लिखते हैं. 63, बिकॉज जस्ट आफ्टर 2 व्हाट कम्स 3. 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है. और अगर हम 60 की लाइन लिख रहे हैं तो 62 के बाद हम क्या लिखेंगे, 63. ओके,
इन योर मेंटर बॉक्स यू हैव दिस टाइप ऑफ कार्ड्स एंड दिस टाइप ऑफ कार्ड विथ यू। आपको क्या करना है, इससे नंबर निकालना है और यहाँ पे आप लगा के देखिए बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने कोई नंबर लगाया है तो उसके बिफोर क्या आ रहा है, उसके बिटवीन क्या आ रहा है। सो दिस एक्सरसाइज यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस मेंटर बॉक्स किट। ओके, दिस आर द नंबर्स। आपके पास 3-4 कार्ड्स दिए हुए हैं, 1 से लगा के 200 तक के नंबर कार्ड्स हैं आपके पास। सो यू कैन यूज दिस एंड यू कैन राइट हियर, यू कैन स्टिक द नंबर्स हियर। ओके, सो यूज दिस बॉक्स ऑल्सो, दिस कार्ड्स ऑल्सो फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज। बोथ साइड, दोनों साइड दिया हुआ है, बिफोर बिटवीन आफ्टर, बिफोर बिटवीन आफ्टर। सो यूज दिस नंबर कार्ड्स। ओके, आप प्रैक्टिस करने के लिए ये वाले नंबर कार्ड को आप यूज कर सकते हैं इसके साथ में, एंड यू कैन डू द नंबर्स। ओके, नाउ आफ्टर 66, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 66, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस कार्ड आल्सो एंड यू कैन डू। ओके, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 66, 67, जस्ट आफ्टर 66, 67। तो हियर वी विल राइट 6767। नाउ व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 74, दैट मींस यू हैव टू सी द सीरीज ऑफ 71 to 80। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 74, जस्ट आफ्टर 74 वी ऑलवेज राइट 75। सो राइट हियर 75। ओके, now 79, that means the same series we have to see, this series only we have to see 79, what comes just after 79, 8080, okay, now what comes just after 83, that means अब हमें 80 वाली series देखना है, what comes just after 83, 84, so 84, now complete this, okay, now here just after 87, just after 87, that means we have to see the series of 81 to 90. So 87 comes here, what comes just after 87, 8888. So here we will write 8888. Okay, now 91, what do you write just after 91? This is the line of 91 till 100. So what do you write just after 91? 92. So here we will write 9292. Okay, just after 95, just after 95 you write 9696. 5 के बाद क्या आता है, 6, और हम 91 की सीरीज में है तो 95 के बाद लिखेंगे 96, एंड 98, दिस इज 98, 98, व्हाट यू राइट आफ्टर 8, 9999. And after 9999, 100,
हंड्रेड। Okay, so this is what comes just after we had completed till 100. After means जो बाद में आता है. Now on next page you have to change the heading. Now what you have to write? What comes just before? What comes just before? So take out next page. In your next page you have to change the heading. That what comes just before. Before means पहले. Before means पहले. B E F O R E. Before. Before का मतलब होता है पहले. पहले जैसे मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि when you enters in any room or any classroom anywhere, if somebody is already there, तो आप क्या बोलते हैं दैट ही और शी एंटर्ड बिफोर मी, है ना, कि वो मेरे से पहले आया था या आई थी. तो बिफोर का मतलब होता है पहले. जैसे आप खाना खाने बैठ रहे हैं और आपकी सिस्टर या ब्रदर ने पहले खाना खा लिया, तो आप उनसे पूछते हैं दीदी आपने खाना खा लिया, भैया आपने खाना खा लिया. तो दे ऑलरेडी टेकन देयर फूड बिफोर यू, मतलब उन्होंने अपना खाना आपके पहले खा लिया है. तो बिफोर का मतलब होता है पहले. अगर आप स्कूल आते हैं, कोई फ्रेंड आपसे पहले स्कूल आ चुका है, तो वो ही और शी कम्स बिफोर यू. बिफोर मतलब आपके पहले आ चुका है. तो बिफोर सबसे पहले, तो बिफोर आप क्लियर कर लें कि बिफोर का मतलब होता है पहले. नाउ हम लिखेंगे कौन से नंबर पहले आते हैं. ओके, सो नाउ गिव योर गैप. आपको यहाँ पे गैप देना है. देन व्हाट यू हैव टू राइट हियर? 64, 66, 69, 70. ओके, नाउ वी हैव टू फिल अप द ब्लैंक्स हियर. व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 64? What comes just before 66? What comes just before 69 and 70? You have to fill the gaps here, that which number comes before these numbers. So first you complete this. Okay, so before 64, we have to see this series from 61 to 70. So before 64, we write 6, 3, 63, because 3 comes just before 4. And if we are writing the series of 61, that means before 64, we write 63. So here we will write 6, 3, 63. Okay? What comes just before 66? 66. Just before 66, we write 65, 65. Before 69, we write 68, 68. And before 70, 70, we
कंप्लीट दिस। Okay, now we have to see what comes just before 73. That means the series 71 to 80 we have to see. So just before 73, we always write 7 to 72. Okay, before 75, we write 7, 4, 74. Because before 5, we always write 4, and if we are writing the series of 70, that means we have to write here 74. Okay? 78. Before 8, we write 7. So 7, 7, 77. Before 8, 0, we always write 7, 9, 79. And before 86, that means we have to now see the series of 81 to 90. Before 86, we always used to write 85. Before 6, what we write? 5. And if we are writing the line of 80, that means 85. Before 88, we write 87. And what you write before 9090, this is the last number of this line. So before that we write 89. Okay, now after that some more numbers I am going to write here. 92, 94, 96, 98, 100. क्लम्सी वे में अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, वन वन लाइन की गैप देना है। सो मैं जैसे यहाँ पे ऐसा लिख रही हूँ, बट यू कैन राइट डाउन डाउन। आप डाउन डाउन लिखेंगे, जब पेज फिनिश हो जाएगा तो आप नेक्स्ट पेज ले लीजिए, बट क्लम्सी वे में नोटबुक को गंदे तरीके से मत कंप्लीट कीजिएगा। ओके, नाउ व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 92, दैट मींस हमको 91 से लगा के 100 तक की लाइन को ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो 92 से पहले क्या लिखते हैं आप यहाँ पे? 91, क्योंकि 91 के बाद में हम लिखते हैं 92, दैट मींस 91 कम्स जस्ट बिफोर 92। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 94?
94 के पहले आता है 93 एंड व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 96 96 के पहले 95 व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 98 97 और 100 से पहले आता है 99 Now, dear students, we have completed the concept of after numbers, before numbers, till 100. Now, I am going to give you homework. Homework, what comes just in between. So, digits I am going to write here and that numbers you have to complete in your homework. Okay? Some of the digits I am going to write on the board so that you have to do in your homework that what comes in between. What is the meaning of between? Between ka matlab kya hota hai? Ye main pehle aapko bata chuki hoon. But I will revise again. Between ka matlab hota hai beech mein. Hai na? If you want to sit, agar aapko baithna hai, aapke mama aur papa baithe hue hai, बीच में बैठना है तो आप कहाँ बैठना चाहते हैं मम्मा पापा की बिटवीन तो आप परमिशन लेंगे मैं आई सिट इन बिटवीन यू कैसे परमिशन लेंगे मैं आई सिट इन बिटवीन यू बिटवीन मतलब बीच में है ना सो नाउ सम ऑफ द नंबर्स आई एम गोइंग टू राइट हियर दैट नंबर्स यू हैव टू डू इन योर होमवर्क सो दिस इज योर होमवर्क ओके 52 ओके उसके डाउन आपको लिखना है नेक्स्ट पेज पे 75 77 78 80 83 85 ओके आपको जो नंबर मैं नहीं लिख रही हूँ इन बिटवीन वो आपको कंप्लीट करना है अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू वो आपको क्या करना है कंप्लीट करना है जो नंबर्स में गैप दिया हुआ है दैट नंबर्स यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक 90-92
फर्स्ट यू कंप्लीट दिस एंड आई विल रब एंड आई विल राइट सम मोर डिजिट्स. Okay, now this side I am going to rub and I am going to write some more numbers here.